कोई कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं पता चलता और वो जब अल्ट्रासाउंड के लिए आता है तो हम देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट मिस हो गई है और हम इसको मिस्ड अबॉर्शन लेबल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमल ज़ाया होने की क्या निशानियाँ हैं। अमूमन जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके आपको रीअश्योर करता है कि ठीक है, सारा कुछ सही है, आपने टाइम के हिसाब से जा रहा है, और वो आपको दोबारा एक अल्ट्रासाउंड के लिए दोबारा बुलाता है जिसमें वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि अच्छा हार्ट बीट वगैरह आ गई हुई है और प्रेगनेंसी सही जा रही है। अब हर वक्त तो हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, ना ही हम बार बार डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कुछ लोगों के पास तो ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि वो दो दो हफ्ते बाद अपना फॉलोअप करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करवा सकते हैं। तो घर बैठे ऐसी कौन सी निशानी है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमल में खराबी हो सकती है और हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए? तो वो ये चंद ऐसी निशानियां हैं जिसके साथ आपको ये अंदाज़ा हो सकता है। कोई कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं पता चलता और वो जब अल्ट्रासाउंड के लिए आता है तो हम देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट मिस हो गई है और हम इसको मिस्ड अबॉर्शन लेबल करते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जहाँ पेशेंट को अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। उसमें नंबर वन तो ये है कि अगर उसको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि नौजिया है, वॉमिटिंग है, बोझलपन है तबीयत का, तो वो एकदम से पहले कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती हैं। यानी पहले अगर उसको उल्टियां आ रही थी और वो खा पी नहीं पा रही थी या फिर उसको बहुत ज़्यादा नौजिया की शिकायत थी, तो एकदम से सडनली उसके सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि हम सब जानते हैं कि ये जो वॉमिटिंग हो रही होती है ये प्रेगनेंसी के साथ हो रही होती है, यानी प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है, और जैसे ही बच्चा ज़ाया होता है या हमल ज़ाया होता है तो उसके साथ प्रेगनेंसी के हार्मोन डाउन हो जाते हैं। जब वो हार्मोन डाउन होते हैं तो उसके साथ फिर ये नौजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स ही ख़त्म हो जाते हैं। सो जब पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं, अच्छा नौजिया वॉमिटिंग कैसा जा रहा है? तो अगर पेशेंट आपको ये कहता है कि मेरा तो नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि अच्छा इससे स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी चल रही है। और अगर वो कहता है कि पहले से कम हो गया, तो ये भी नॉर्मल चीज़ होती है, क्योंकि शुरू में ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ऐसा मरीज़ जिसको पहले बहुत ज़्यादा था और सडनली उसका ये ख़त्म हो जाती है वॉमिटिंग, तो ये आप ज़रूरी है कि आप इस वक्त एक अल्ट्रासाउंड करा के बच्चे की हार्ट बीट को कन्फर्म कर लें कि सब कुछ ठीक है। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात कि अगर आपको बहुत शदीद ज़्यादा पेट में दर्द महसूस होती है या पीरियड लाइक पेन, एक तो नॉर्मली भी थोड़ी थोड़ी आपको पीरियड लाइक पेन फील हो रही होती है, नॉर्मली भी थोड़ी बहुत दर्द डिस्कम्फर्ट होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना शुरू हो जाए और पेन फील होना शुरू हो जाए, उस सूरत हाल में भी ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा कर चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है, यूट्रस की मुँह की लेंथ तो नहीं शॉर्ट हो रही, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह ठीक है, सैग बहुत नीचे की तरफ तो नहीं है, ये चीज़ उस वक्त भी कंफर्म करना ज़रूरी है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में सबसे कॉमन सिम्टम है वो ये है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या आपको गंदा डिस्चार्ज स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की हार्ट बीट ठीक है और आपको ब्लीडिंग का एक एपिसोड हुआ, तो अमूमन देखा गया कि उसके बाद ये जो ब्लड वाला डिस्चार्ज है ये चलता रहता है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोबारा से फ्रेश ब्लीडिंग का एपिसोड होता है तो बेहतर है कि ये अल्ट्रासाउंड दोबारा करवा लिया जाए। सो ब्लीडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये देखने के लिए कि बेबी की जो है हार्ट बीट चली तो नहीं गई है और वो अभी भी मौजूद है। हमने बहुत सारे ऐसे हमल भी देखे हैं जिसमें पेशेंट को थ्रू आउट 9 मंथ्स थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग रहती है और प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चलती है। लेकिन ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनमें जहाँ बिल्कुल ही स्पॉट लगता है और पेशेंट की बेबी की हार्ट बीट चली जाती है। सो अल्ट्रासाउंड बेस्ट मेथड है, सेफ है, आप बार बार भी करवा सकते हैं ये कन्फर्म करने के लिए, देखने के लिए कि हार्ट बीट ठीक है। अगर ब्लीडिंग के साथ हार्ट बीट ठीक है तो फिर परेशानी की बात नहीं है। अमूमन आवल डेवलप हो रहा होता है नीचे की तरफ, बाज़ दफ़ा डिफरेंट रीजंस की वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, और जब तक हार्ट बीट ठीक है तब तक हमें ब्लीडिंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी होता है, और अगर इनमें से कोई भी आपको है तो बेहतर है कि डॉक्टर से या करीब की अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट आपके मौजूद है, अल्ट्रासाउंड करने वाला मौजूद है, तो आप उसे जस्ट जाकर बच्चे की हार्ट बीट को कन्फर्म करा लीजिए। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।